बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू हैव डन रिटन प्रैक्टिस ऑफ ऑल गिवन क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड ऑल थीरम्स वी हैव सॉल्व्ड विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स ऑफ थीरम एंड सैंडविच थीरम। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट according to both point of view. The parts of question number 3 repeated many times in board in long questions. Be attentive now and try to understand the solution of the questions. Question number 3, evaluate the following limits. There are 12 parts of question number 3. We will try to solve maximum parts of it and the rest of the parts you will solve as in homework. First part of question number 3, limit x tends to 0, sin 7x over x. इस क्वेश्चन की लिमिट को सॉल्व करने के लिए, लिमिट को आपने इवेलिएट करने के लिए अपने माइंड में सैंडविच थ्योरम को रिपीट करें। दिस इज़ ए सैंडविच थ्योरम, लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन के एंगल में थीटा है और डिनोमिनेटर में भी वही रिपीट हो रहा है। और इसी फॉर्म को हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, अगर x हो आपके पास फिर हमारी लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, अगर ये वाली फॉर्म आपके पास बनती है तो हम इसको ए वन के इक्वल पुट करते हैं, यानी जो एंगल में हो वही आपके पास डिनोमिनेटर में हो तो आप, और लिमिट जो है उसी वेरिएबल को अप्रोच कर रही हो तो आप उसकी जगह वन पुट कर सकते हैं। इस थ्योरम को माइंड में रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन 7x ओवर x, इस कंडीशन में 7x आपके पास नोमिनेटर में है लेकिन आपके पास डिनोमिनेटर में 7 जो है वो नहीं है, तो 7 और 7x और यहाँ पे भी 7x डिनोमिनेटर में करने के लिए यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 7/7। ओके, लिमिट x टेंड टू 0 साइन 7x और x मल्टीप्लाइड बाय 7/7, हमें डिनोमिनेटर में 7 की नीड है तो डिनोमिनेटर में 7 को x से मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे, और नोमिनेटर का जो 7 है एज अ कॉन्स्टेंट लीनियर लिमिट लीनियर फंक्शन है तो इससे हम उसको पहले राइट कर देंगे। आप फिर इस तरह से आपकी फॉर्म बनेगी, 7 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x और 7x, ये वाली जो कंडीशन है आप इसको देख सकते हैं कि साइन 7x और 7x ये आपका सैंडविच थ्योरम को ही अप्रोच करती है, सैंडविच थ्योरम जैसी ही है, तो इसकी जगह पे आप 1 राइट कर सकते हैं। तो आपने लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x और 7x की जगह 1 राइट कर दिया, और 7 आपके पास कॉन्स्टेंट था, 7 × 1 7 आपका आंसर है। एक बात और यहाँ पर याद रखें, आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 है, अब जब आपके पास 7x है तो आप यहाँ राइट कर सकते हैं लिमिट 7x टेंड्स टू 0, और अगर नहीं भी राइट करते हैं तो फिर भी आपका ठीक है। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इन सेकेंड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, दिस इज नॉट 0 पावर, दिस इज डिग्री, ओके, साइन x डिग्री ओवर x, और डिग्री जो होती है यू नो वेरी वेल 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180। सो इन नोमिनेटर यू हैव साइन एक्स पाई ओवर 180, वाइल इन डिनोमिनेटर यू हैव ओनली एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स पाई ओवर 180, इन डिनोमिनेटर यू हैव एक्स। अब हमने क्या करना है, पाई ओवर 180 नोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में भी हमें एक्स पाई ओवर 180 ही चाहिए। हम क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय पाई ओवर 180। पाई ओवर 180 मल्टीप्लाइड इन नोमिनेटर, पाई ओवर 180 मल्टीप्लाइड इन डिनोमिनेटर। इस तरह आपने राइट किया, आपके पास नोमिनेटर में तो एक्स पाई ओवर 180 ऑलरेडी है, तो हम ये जो पाई ओवर 180 नोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको आप यहाँ साइड पर राइट कर लेंगे, दिस इज़ पाई ओवर 180। पाई ओवर 180 लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स पाई ओवर 180, और ये आपके पास x था डिनोमिनेटर में तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट बिकम्स x पाई ओवर 180। सो इट लुक्स लाइक सैंडविच थ्योरम, जो आपके पास यहाँ साइन के साथ एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है वही आपके पास डिनोमिनेटर में है, सो यू कैन राइट इट लिमिट x। अब बेटा यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं ये x पाई ओवर 180 टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखा है x टेंड्स टू 0, तो लिमिट भी चेंज की जा सकती है, लेकिन अगर आप इसी तरह रहने देते हैं फिर भी ठीक है। पाई ओवर 180 इन प्लेस ऑफ दिस वन वी कैन राइट बाई यूजिंग सैंडविच थीरम। आप यहाँ हिंट दे सकते हैं, हिंट कौन से वाला दे सकते हैं,
ये हिंट आप राइट कर सकते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू वन, कि इस हिंट को यूज़ करते हुए एज ए रेफरेंस यू हैव रिटन वन, सो पाई और 180 दिस इज योर आंसर, नाउ यू हैव इवेल्युएटेड दी गिवन लिमिट्स। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर थ्री। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो वन माइनस कोस थीटा और साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास वन माइनस कोस थीटा और साइन थीटा, इसकी लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए आप एटलीस्ट थ्री मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाफ एंगल फार्मूलाज भी लगा सकते हैं यहाँ पर, वन माइनस कोस थीटा और वन माइनस वन प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा साइन थीटा और थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, सिंपल है, मल्टीप्लाई इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा और साइन थीटा। लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा इंटू वन माइनस कोस थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो वन माइनस कोस थीटा साइन थीटा, साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये फार्मूला आप जानते हैं, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू वन। अगर आपका साइन स्केयर थीटा है तो आप राइट कर सकते हैं वन माइनस कोस स्केयर थीटा, आई हैव रिटन हियर वन माइनस कोस स्केयर थीटा, ओके। वन माइनस कोस स्केयर थीटा कैन बी रिटन एज वन माइनस कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस। सो वन माइनस कोस थीटा इन नोमिनेटर, वन माइनस कोस थीटा इन डिनोमिनेटर कैंसल आउट एंड रिमेनिंग टर्म साइन थीटा ओवर वन प्लस कोस थीटा। लिमिट पुट कीजिए, थीटा की जगह जीरो पुट करेंगे, साइन जीरो जीरो कोस जीरो वन, वन ऐसे ही है कोस जीरो वन, वन प्लस वन टू, जीरो ओवर समथिंग इज इक्वल टू जीरो, ओके। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री, लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन एक्स और पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम इस कंडीशन को डील करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि आपके पास ये एक्स है और डिनोमिनेटर में पाई माइनस एक्स है, इसको लेट कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम पाई जो है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इस मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता। पुट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टी एंड पाई माइनस टी इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स कि एक्स की जगह आप राइट कर सकते हैं पाई माइनस टी और पाई माइनस एक्स की जगह आप पुट कर सकते हैं टी, तो आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म ये बनेंगे। फिर लिमिट टी टेंस टू ज़ीरो साइन पाई माइनस टी ओवर टी। लिमिट्स को भी चेंज कर लेते हैं कि लिमिट आपकी पहले एक्स से पाई तक थी, लेकिन आप अब यहाँ पर हमारे पास ये टी है, तो लिमिट को हम टी की फॉर्म में किस तरह लेकर आएंगे, आप राइट करें यहाँ पर आपके पास है पाई माइनस एक्स ये, तो आप जब लिमिट पुट करेंगे एक्स अप्रोचेस टू पाई, यानी एक्स की जगह पर पाई पुट कर देंगे आप, तो आपकी ये बनती है पाई माइनस पाई टेंस टू टी, और इसका मतलब है ये टी जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। नाउ यू हैव चेंज योर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई एंड टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, किस तरह से पुट की, पाई माइनस एक्स है, ठीक है, ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये पाई को एक्स अप्रोच कर रहा है, तो हमारा पाई माइनस एक्स